अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट स्वीट, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही मजे की होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक का पेज भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर छान के मैदा मैं डालूंगी 2.5 कप मैयर करके, और इसको तकरीबन हम हल्की आंच से 15 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन है मैदे में वो खत्म हो जाए। मुसलसल हलाते रहेंगे। इसका देखिए मैदे का कलर वाइट वाइट था और अब ये देखिए लाइट येलोज की तरफ जा चुके हैं। बस अब आपने क्या करना है, इसको अब अलग से प्लेट में निकाल देना है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 कप्स कोकोनट मिल्क और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क ये हमारा होममेड है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाया तो इसकी रेसिपी मैंने डाल दी हुई है, वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो ये 1 कप हमने इसके अंदर डाल दिया कंडेंस्ड मिल्क। अब इसके अंदर जाएगा 1/2 कप ब्राउन शुगर, नमक 1/4 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। सब चीजें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर जो हमने ये मैदा लिया था भुना था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो हम मिक्स कर लेंगे और साथ में व्यूअर्स आप हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक जो पेज है उसको जाके जरूर लाइक करें, शेयर करें और जरूर उसको फॉलो करें। हमें कहीं भी मैदा नजर नहीं आना चाहिए। इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी की। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम बटर डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए अब इसको मीडियम लो आंच पे पका लेंगे। तो इसका बंद कर देंगे चूल्हा। अब आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का डिब्बा लेना है और उसके अंदर बटर पेपर लगा लें या अल्मोनियम फॉइल लगा लें, उसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे फिर इसको फ्लैट कर देंगे। ये देखें जितना भी बैटर था सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम फ्लैट कर लेते हैं। व्यूअर्स हमारे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं आपको रेसिपीज कैसी लगती हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के बताएं, मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी आपके लिए। चलिए जी ये हो गया फ्लैट। अब इसके अंदर हम कस्ट डालेंगे क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर कस्ट डालना बहुत मुश्किल है। इसको हम तकरीबन रखेंगे 15 मिनट। इसको अपने फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसको ऐसे काउंटर पे रहने देना। तो इंशाल्लाह तब से ये वैसे ही ठंडा हो जाएगा। तो चलो इसके ठंडा होने का वेट करते हैं। देखें ये माशाल्लाह ठंडा हो गया, एक मैंने निकाल के देखा और इजीली निकल आया है। आप चाहें तो आप इसको स्पैचुला की मदद से भी निकाल सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये स्वीट को ऐसे आपने लिया और ये कोकोनट पाउडर है इसके अंदर आपने अच्छे से इसको कोट कर देना और इसको अपने यहाँ पे ऐसे रख देना। ये देखें कोकोनट स्वीट बनके हमारी रेडी हो गई है और इसके अंदर जो हमने कोकोनट मिल्क डाला है उसकी वजह से एक बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। और व्यूअर्स आप इसमें शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो से आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।